तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब थर्ड क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 5.1 का, और आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको सेम यही चीज़ निकालनी है जो कि हमने थर्ड क्वेश्चन में निकाली थी, और आपको वेरीफाई करना है कि इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इन पर्टिकुलर जेड्स के लिए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इनको ट्राई कीजिए। आप किसी भी स्टेप पर फर्स्ट रहे हैं या कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फिर मैं उसको उसकी वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 5 में भी यही है, आपको u एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई। हमको प्रूफ क्या करना है कि जो u का पार्शियल डेरिवेटिव पहले मैं y के साथ निकालूं एंड देन x के साथ निकालूं तो वो इसके इक्वल आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालना है एंड देन जो आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में। तो कीजिए, देखिए क्या है। तो ये था हमारा u, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इस u का पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ y के रिस्पेक्ट में। अब आप ध्यान से देखिए, आपका u दो पार्ट में टूटा पड़ा है, ये माइनस ये। तो पहले मैं इसमें करूंगी y के रिस्पेक्ट में, और फिर फर्दर देखो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है ना, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। बट क्योंकि आपको y के रिस्पेक्ट में करना है और एक्स स्क्वायर में तो यहां तो y है ही नहीं ना, तो ये तो कैसा ट्रीट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो एक्स स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा, इंटू में आप, अब क्योंकि y यहां पड़ा है तो यहां पर आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा वाई के रिस्पेक्ट में। जब यहां पर करेंगे तो पहले आपको टेन इनवर्स का तोड़ना पड़ेगा रूल। अब देखो टेन इनवर्स ऑफ एक्स का या किसी का भी क्या होता है डेरिवेटिव रूल, वन अपॉन वन प्लस जो भी यहां पर है उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का, वन अपॉन वन प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इंटू में अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है वाई बाय एक्स का। अगेन वाई बाय एक्स में एक्स तो कैसा ट्रीट होगा, कॉन्स्टेंट, बिकॉज वी आर डेरिवेटिंग अकॉर्डिंग टू वाई। तो वन बाय एक्स तो बाहर आ जाएगा, इंटू में फिर वाई का, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाता है वन। तो ओवरऑल मेरा ये डेरिवेटिव होके इतना आया। फिर माइनस में अब आप नोटिस करेंगे तो ये वाली जो टर्म है ये भी दो चीजों का प्रोडक्ट है, बट क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, y इधर भी है इधर भी है, तो बेसिकली आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट रूल क्या होता था कि एक बार आप इसको एज इट इज रखेंगे और इसका डेरिवेटिव, और एक बार इसको एज इट इज और फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो वो मैं करूंगी, मैंने माइनस बाहर ही रखा है, मैंने ब्रैकेट लगाए हैं। तो पहले मैंने वाई स्क्वायर को कॉन्स्टेंट रख दिया, मतलब एज इट इज रख दिया, इंटू में इसका डेरिवेटिव करूंगी वाई के रिस्पेक्ट में। उसके लिए पहले मुझे टैन इनवर्स का करना पड़ेगा, टैन इनवर्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर इंटू में, अब एक्स बाय वाई का देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो वैसे ही रहेगा, इंटू में वन बाय वाई का देखो क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव, ये बहुत बार यूज हो चुका है। वन बाय वाई क्या हो जाएगा, ऊपर वाई की पावर माइनस वन, पावर रूल लगाएंगे तो माइनस वन आगे, वाई की पावर क्या बचेगी माइनस वन, माइनस वन मतलब माइनस टू, और नीचे जाके क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। तो हमने कर दिया पहला चीज कि इसको कॉन्स्टेंट रखे इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस में अब इसको एज इट इज रख देंगे टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई, मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा टू वाई। तो ये पूरा मैंने पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया वाई के रिस्पेक्ट में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, देखो यहां पर एलसीएम लोगे सबसे पहले वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर करके, एलसीएम क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में ये एक्स स्क्वायर बचेगा, इंटू में ये एक्स एज इट इज और ऊपर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस, इधर भी ऐसे देखो यहां तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट ही जाएगा, क्या बचेगा ऊपर सिर्फ माइनस एक्स, और नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और प्लस में देखो टू वाई आगे लिख लिया टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई। फिर फाइनली आप नोटिस करेंगे देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड का मतलब कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स की पावर फोर, और क्योंकि यहां एक एक्स से कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इस ब्रैकेट को खोलिए माइनस माइनस प्लस एक्स, ये भी ऊपर जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई। फिर इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया है, देखो ये सेम ही है बेस, तो यही एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर भी सेम चीज एडअप होकर आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, बट इन दोनों में से आप नोटिस करेंगे एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो फिर कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में क्या होकर आएगा एक्स माइनस टू वाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स ही बचेगा माइनस टू वाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई। फिर मुझे क्या करना था, जो आपने u के पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया y के रिस्पेक्ट में उसका फिर से किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इस चीज का मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ x के रिस्पेक्ट में। तो कीजिए, पहले देखो इसका करोगे x का तो क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में वन ही हो जाएगा माइनस, अब यहां पर आपको x के रिस्पेक्ट में करना है बट ये चीज में तो y है तो y तो कॉन्स्टेंट रखना है तो टू वाई बाहर आ जाएगा, सिर्फ इसका करना रह जाएगा इंटू में टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई का। पहले टैन इनवर्स का खोलिए वन अपॉन वन प्लस
x by y का होल स्क्वायर इनटू में 1 बाय y कांस्टेंट हो जाएगा, x का क्या आ जाएगा 1। फिर वही एलसीएम लेंगे y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये अपॉन में y स्क्वायर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में और एक y से का y कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा y अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लीजिए वन और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर व्हाटएवर, और ऊपर क्या जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर। फिर ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आया मेरा सिंप्लीफाई होकर के क्या डेल यू अपॉन डेल वाई किसका डेल अपॉन डेल एक्स का, तो ये चीज क्या होती है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो फाइनली मेरी जो ये चीज अब किसकी इक्वल आई थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही मुझे प्रूफ करना था फिफ्थ क्वेश्चन में, वेयर इट इज, हाँ ये है ना। तो हेंस प्रूफ, तो ये मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिए खुद से करके देखिए जहां फर्स्ट पूछते जाइए साथ साथ। थैंक यू।